चतुरक्षर ते पैके आते चट मीटर ते पैके तेरे नाल पहले पहुंचेगा ओए रक्षे ते आप पावे मीटर ते हेरे ओड़िया गिना केड़े तारे आने दिया दो दुख ताइया ते मार गईया चोरां दिया ताइया मैं मेरी नानी जिहड़ी सी ना उहने कुकड़ी रखी सी ओह आंडा देण तों बाद ना छाल मार के दरख्त ते चढ़ जांदी सी तो मैं फिर उस चीज़ को ज़हन च रखना उन्हें जो आंडा दे के बाद जो दरख्त चढ़ना तो एक आवाज़ लानी मैं उस आवाज़ को मुसलसल सुनता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो मिमिक्री मास्टर हैं और 100 से ज़ायद लोगों की यह मिमिक्री कर चुके हैं और अभी इनसे बात करेंगे कि किन किन की मिमिक्री ये कर चुके हैं और किन से इंस्पायर हुए और ये किस तरह गॉड गिफ्टेड है या इनको रिहर्सल करनी पड़ती है। आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया कि ये मिमिक्री मास्टर सौदागर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? हैदर भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 100 से ज़ायद लोगों की आप मिमिक्री कर चुके हैं, अच्छा इसमें क्या सियासतदान हैं या फिल्मी दुनिया से आर्टिस्ट हैं, ये किन किन की आवाज़ निकाल चुके हैं, कोई हमें नाम बताएं। सर वैसे तो मैं 90 से अबव आवाज़ों की मिक्री करता हूँ जी जी। और हाल ही मैंने एक बीएन शर्मा साहब हैं कैरी ऑन जट्टा वाले, तो उनकी मैंने लास्ट जो मिक्री की है उनकी फिल्म कैरी ऑन जट्टा, जो बीएन शर्मा जो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे उनका मैंने किया है। तो इसके अलावा मुनव्वर दीप साहब, रंगीला साहब, सुल्तान अली मुस्तफा कुरैशी, शफकत चीमा, शान, सनी देवल, परेश रावल, मामा ठाकर, अजय देवगन, सुनील सेठी, इस किस्म के काफ़ी, दिलीप कुमार, राजकुमार, यानी कि ये तकरीबन 90 से अबव लोग। अच्छा, बनते हैं। राजकुमार की कोई डायलॉग, कोई लाइन बोल के दिखाएं। सुन जानी, अव्वल तो बच्चे होने ही नहीं चाहिए, और अगर बदकिस्मती से बच्चे पैदा हो जाएं तो बच्चे दो ही काफ़ी हैं, ये दो ही काफ़ी हैं, ये दो ही काफ़ी हैं। दो क्यों काफ़ी हैं, कई लोगों को ज़्यादा भी चाहिए। भाजी फिर महंगाई बड़ी ना सर, ज़ाहिर दो ही चंगे ने, बहुते होने के तो तंग आवेंगे ना। सही जी। नाज़रीन ये तो बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि साथ साथ मशवरे भी दे रहे हैं, दो बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा इसके अलावा अगर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की जोड़ी बनी सी सुल्तान अली साहब नाल, उन्होंने एक फिल्म की थी मौला जट ते बड़ा हिट हुए, उससे मौला जट नूं ज़हन च रख के मैं एक छोटा जिहा डायलॉग लिखिया भी खुद आप है, सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी दा मुकाबला। आप लिखते भी हैं, राइटर भी हैं? मैं लिख लुख लेना ना कभी कभी जनाब, जो टाइम होता लिख लेने। ऐ ते नहीं ना होता वो जड़ी सौदे दी लिस्ट च बस वही लिख दे, घर वाले वो लिख देते ना तो मैं डायलॉग लिख देना। क्या बात है, चले जी। जी जनाब, वो मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रही दा मैं डायलॉग लिखिया जी। गज ते पड़ने पर बस तक कोई नहीं होए, ये बस प्या ते नक नक डूब जावेगा मोतिया वाले अजय ना फसीए, ये शहर चिकड़ हो गया ते कोड़ा काट वाले पैसे लेके आना पेगा ओए, कूड़े ते आने की की लोड़े, मां सदके जाई मैनू हुक्म कर, मैं अपने दुश्मन नू रक्षे ते लैना जाना। अच्छा तू रक्षे ते पै के आते चट मीटर ते पै के तेरे नाल पहले पहुंचेगा ओए रक्षे ते आप पावे मीटर ते, पर इन्नी गल कन खोल के सुन लवी दुश्मना के रक्षे दा बिल मैनू तेरा प्यो देवेगा। रक्षे दा बिल मैनू तेरा प्यो देवेगा। जी नाज़रीन अभी इनसे गुफ्तगु, मज़े मज़े की गुफ्तगु जारी है, अभी हम इनसे मज़ीद डायलॉग सुनते हैं। जी जनाब मैं ए, मेरा जरा उस्ताद है ना मिकरी दा, ये मेरे जानवर ने जिस तरह कवा है जिन्होंने असं कां कहने। अच्छा। इस तरह मुर्गी है, हैन, कुकड़ी, ये मैं इन्होंने को सीखे बड़ा कुछ। किस तरह सीखे कि मैं मेरी नानी जी ना उन्हें कुकड़ी रखी सी, वो आंडा देने तो बाद ना छाल मार के दरख्त चढ़ जाती सी, तो मैं फिर उस चीज़ को ज़हन च रखना उन्हें जो आंडा दे के बाद जो दरख्त चढ़ना तो एक आवाज़ लानी मैं उस आवाज़ को मुसलसल सुनता था, वो कैच करता हाँ क्योंकि कुकड़ी रोज़ आंडा देती सी, तो रोज़ मैं आवाज़ कटती, वो आंडा देने तो बाद जो छाल मारती सी तो एक आवाज़ कटती सी, तो मैं आवाज़ नू सुनता रहना सा, मेरी उस्ताद बन गई वो, मैं फिर उत्थे रैसल करता रहा। फिर मैं जो लोगों नू सुनाया अपने दोस्तों कि यार मैं आवाज़ सुनाना, उन्होंने कहना यार वाकई मुर्गी की आवाज़ है, कुकड़ी की आवाज़ है, वो फिर मैं उस गले नू अपने उस पकाना शुरू कर दिता। इस तरीके मैं फिर काफ़ी एक्टर ही निकल की, हूँ मैं तुम्हें मुर्गी की आवाज़ सुना दिना। मैं इस तरह फिर उसकी मिक्री करता रहा, बाहर जाना तो बाहर जे कां घूमते हैं, अगर किसी का कां मर जाना तो बच्चों ने कां फट के इंजन घुमाना करना, वो बच्चों पिछले लग जाना तो कावं ने सारे शोर पाना, मैं कावं दी आवाज़ों सुनना, वो फिर कां दी आवाज़ मैं आवाज़ा सुन सुन के जनाब फिर वो अपना
इस चीज़ को अपना लिया कि मैं इन्हों की शगिरदी कर सकना वा। ये मेरे उस्ताद ने, मैं इन्होंने बड़ा कुछ सीखा। इस तरीके मैं फिल्मा वेखियां, ड्रामा देखे, फिर उन्होंने मैं नकल करना शुरू करती। अलहमदुल्ला अज मैं 90 तो ज़्यादा एक्टर की नकल कर सकता, तो अल्लाह तला ने मैं फंड दिता है। तो मैं इस जनून चैनल के थ्रू लोगों को दसना चाहना कि यार मैं एक पिंड थाना वा, मेरा शहर शेरकपुर शरीफ है, मैं एक पेंडू बंदा वा, एक विलजर बंदा वा, लेकिन इन्ना टैलेंट होने के बावजूद भी मेरी रोटी नहीं पूरी होंगी। ताकि लोगों को पता लगे अगर मेरी किसी ने जरूरत है तो जनाब इस स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ रहा या मेरे दोस्तों का नंबर आ रहा, तुम इन्होंने रबता करके तो मैं तुम अपने प्रोग्राम से इनवाइट कर सकते हो और मेरे जो अंदर टैलेंट छुपया बाहर कट के वेख भी सकते हो। आप इनको इनवाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इंडियन आर्टिस्ट जो बहुत सारे आपने हमें बताया कि मैं उनकी भी आवाज़ निकाल सकता हूँ, उनमें से किसी एक दो की निकाल के बताएँ। इंडियन फिल्म है गातक, उसका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, सनी देओल और डैनी पे वो फिल्माया गया। ये दोनों एक्टरों की आवाज़ आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, डैनी और सनी देओल। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे ग्रुप में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है। तू चाहता है मैं तेरे हाथ कुत्ता बन के रहूँ, तू चाहे तो बौंकू और तू चाहे तो काटू, ऐसा ही समझो। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा, इज्जत होगी, रुपया पैसा मिलेगा और लोग डरेंगे तुमसे। दूसरों को डराकर वो जीता है जिसकी अपनी हड्डियों में पानी भरा होता है। अगर तुम्हें बर्त बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। काशीनाथ, तुम्हारी मौत सोचनी ही पड़ेगी, सोचनी ही पड़ेगी, सोचनी ही पड़ेगी, सोचनी ही पड़ेगी। जी आप सोचें उतनी देर। जी नाज़रीन, ये बहुत अच्छा टैलेंट जो हमारे ये सौदागर साहब हैं, जैसा कि इनका कहना है कि मैं देहाती हूँ और मेरे जो कमाई का ज़रिया सिर्फ यही है कि कॉमेडियन है, मैं मुझे लोग इनवाइट भी कर सकते हैं अपने जो प्रोग्राम है। मिमिक्री मास्टर हैं, यानी कि 100 लोगों की इन्होंने मिमिक्री अभी तक कर चुके हैं, जिनमें से कुछ लोगों की इन्होंने करके दिखाई। अब हम फिल्म स्टार शान की तरफ आते हैं कि शान किस तरह बोलते हैं, यानी कि शान हैदर को डांट रहा है तो किस तरह वो डांटेगा। अभी मैं आपको एक डायलॉग है, चूड़ियाँ फिल्म आपने देखी होगी, चूड़ियाँ में शफकत चीमा साहब हैं, उनकी मैं आवाज़ मेरे जहन में आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ कि चूड़ियाँ फिल्म में वो अपनी बहन को मिलने जाते हैं ना, तो जी भैन होंगी ना जे उन्दे ना रो रही होंगी है। शफकत चीमा साहब अपनी भैन कहते हैं कि रोनी क्यों, कहती कि मेरा एक पुत्र है बख्तू, ये मैंने तंग बड़ा करता है, शहर से लड़ाइया लेंदा है, तो इन्हू अपने नाल पिंड लै जाओ शहर। हूँ शहर का बच्चा आता है, शफकत चीमा साहब अपने भनेवे बख्तू में एज ए मोमर राणा अपने पिंड लै जाते हैं। उत्थे हूँ बख्तू जोड़ा है अपनी मामे की धी बिलो जी एज ए सहमा का करैक्टर कर रही है, वो उन्हें उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बन जाती, प्यार हो जाता, मुहब्बत हो जाता, पिंड बदनाम हो जाते हैं। बदनाम होने बाद मामे को पता लगता है, मामा अपनी भैन में दोबारा उलामा देने वास्ते आता है। उत्थे एक डायलॉग मैं जनाब की फिल्म पेश कर रहा, तुम्हें इंज लगेगा जिस तरह तुम चूड़ियाँ फिल्म देख रहे हो। क्या बात है मैडम, चूड़ियाँ फिल्म देखने लगे हैं आप। दीबा फिल्म स्टार जी मफतू की अम्मी है, वो किस तरह डायलॉग बोल रही है और शफकत चीमा साहब रो के किस तरीके अपना डायलॉग अपना हक सुना रहे। पहचान खैर ते की तड़े सिर दी पख खुल के तड़े कल विच, शुक्र कर हाजो शुक्र कर, ए पग खुल के मेरे गल विच आई हो, किधरे गल दा पानी उबड़ गई है। की पे कहंदे हो? मैं ठीक कहना पे आजो, मैं ठीक कहना पे वा, मैं बख्त नु शहरो पिंड लै गया सा कि मेरी भैन दा पुत्र है, मेरी इज्जत दा राखा बनेगा, पर उन्ने मेरी इज्जत दा राखा बनन दी बजाए मेरी गैरत नू मैली अख नल वेखे, शीतो मैली अख नल वेखे, हरी अखा दे थ्रू वेखे, बख्शू नू शहरो पिंड लै गया सा, अज तू मेरी अखा दे थ्रू वेखे, बख्शू नू पिंड शहर वापस बुला ला, शीतो वापस बुला ला। नाज़रीन, इन्होंने तो इमोशनल कर दिया है और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि जो एक बात है कि टैलेंट की कदर नहीं की जाती, और ये टैलेंट हमारे पाकिस्तान में भरा पड़ा है और कूट कूट के भरा पड़ा है। जैसे कि इन्होंने पूरे पूरे फिल्मी डायलॉग और जो जो एक्टर्स ने जिस तरह बोले उसी तर्ज में इन्होंने करके दिखाया, और दो दो तीन तीन। और अब इसके बाद हम आते हैं मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की तरफ कि उनको किस तरह आप मैनेज करेंगे। जी, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने जी एक फिल्म के रेहड़ियाँ लाइया ने, उन्होंने गाहक कौन आ रहा, नाल भी एक रेहड़ी लगी है, उन्हें तो रेहड़ियाँ मूंगफली चंगोजे दाल ने, उत्थे एक औरत सौदा लैन वास्ते आँदी है, रश लग जाता परली रेहड़ी से। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की रेहड़ी तो कोई रश नहीं है। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने सोचा भी ये हूँ मैं रश अपने लियाना,
किस तरीके ना लाया मैं जनाब दी आवाज पेश कर रहा हूं, लोगों को अट्रैक्ट करना है जी। यस, उन्होंने किस तरीके ਨਾਲ आवाज लाई मैं जनाब दी खिदमत पेश कर रहा हूं। जी बिल्कुल। ਗਬੜਕ ਛੱਲੋ ਨਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਖੁੱਲਾ ਹੇਰੇ ਆਉੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁੱਖ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੁਦਾਰ ਇਹ ਡਿਸਕ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਜਮਾਦਾਰ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਪਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਗੱਟਾ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੇਰੇ ਆਉੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁੱਖ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੇਦੇ ਯਾ ਪਹੀ उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है यू बैठा भूखा मरता है लड़की से एवं डरता है। ए बहुत ही बकवास ना कर मैनू सौदा दे नहीं ते आवाज मार के सारा पिंड इकट्ठा कर लांगी मुटियार ये मल्ला कोई कूड़ा नहीं जरा तू बहुत करना इकट्ठा कर लेंगे नाले बुला अपने पिंड के चौधरी मच पेट मार के उनके पैर ही पैना जी नाज़रीन बहुत मजा आ रहा है मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए और अभी तो ये वक्त की किल्लत है क्योंकि इन्होंने अभी तो 5 से 6 लोगों की कॉपी करके दिखाई हमें मिमिक्री करके दिखाई क्योंकि अगर हम सब लोगों की अगर हम इनसे मिमिक्री सुनने चलें तो हमें पूरा दिन यहाँ लग जाएगा और जो इंटरटेनमेंट है वो बहुत ही भरपूर है। नाज़रीन उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सुधाकर साहब से रابطہ करना चाहें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आ रहा है आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है उसकी कदर नहीं की जाती बदकिस्मती से लेकिन हमारी ये कोशिश है कि टैलेंट की कदर करवाई जाए। इसी के साथ मुझे और सुधाकर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।